प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 4 प्रकृति से सीख पूरा पढ़ लिया है और उसको समझ भी लिया है। और बेटा, हमने इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। जीने की राह और रचना का संसार, इसमें से आपको अपनी मनपसंद का कोई सा भी एक प्रश्न स्वयं ही अपने शब्दों में लिखना है और उसको समझना है। बेटा, ये चीज़ें जो हैं थॉट प्रोसेस की हैं। आप आंख बंद करेंगे, सोचेंगे जो आपको टॉपिक ये दिया गया है उसके बारे में, तो अपने आप आपकी लेखनी शुरू हो जाएगी और आप लिखना शुरू कर देंगे, है ना। तो जीने की राह का पहला प्रश्न है, हम जन कल्याण की भावना प्रकृति से किस प्रकार सीख सकते हैं। तो बेटा, प्रकृति सबके लिए कुछ ना कुछ देती है और बदले में हमसे कुछ नहीं लेती है। तो इस प्रकार की जो निस्वार्थ भाव है प्रकृति का, उससे हम प्रेरित हो सकते हैं और इस बारे में हम आप सोच करके आगे भी लिख सकते हैं। नंबर 2 है, भारत को प्रकृति से अनुपम वरदान मिला है, इसलिए आइए हम सब मिलकर उस एकात्मता को और एक व्यक्ति को अपनी यह आकांक्षा पूरी करने, अपने सपनों और अपने भाग्य के लिखे को पूरा कर पाने में सहायक बने। लेखक ने ऐसा विचार व्यक्त करके हम युवाओं पर भरोसा जताया है। क्या हम इस भरोसे पर खरा उतर सकते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार? सोचेंगे आप, आंख बंद करेंगे, सोचेंगे कि हम क्या चीज कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को साबित कर सकें कि हम अपनी प्रकृति के संरक्षण के लिए तैयार हैं और हम इससे प्रेम करते हैं। तो ये चीजें आपको खुद लिखनी है बेटा। अब बारी आती है भाषा की दुनिया। तो भाषा की दुनिया में सबसे पहले है श्रुतलेख। श्रुतलेख के शब्द हैं बौद्धिक, पर्यावरण, सराहनीय, वर्षगांठ, अभयारण्य, वन्यजीव, निर्भरता, ईश्वरीय। ये 8 शब्द हैं बेटा। इनको आपको 2-2 बार इनका उच्चारण करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ लगे होते हैं, ऐसे शब्दों में उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगे होते हैं जबकि प्रत्यय मूल शब्दों के बाद लगे होते हैं। इसमें गलत लिखा है बेटा, और पुस्तक में आपके गलत लिखा है, आप इसको सही कर लें। पहले की जगह बाद में लिखेंगे। मूल शब्द जो है उसके पहले जो शब्दांश लगता है, पूरा शब्द तो नहीं लगता, शब्द का टुकड़ा लगता है, शब्दांश जो लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्द के बाद में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं, और इनके जुड़ने से उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। पहला शब्द है प्राकृतिक। प्राकृतिक में मूल शब्द तो है कृति। कृति में हमने प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्रकृति बन गया। अब इसमें हमने इक प्रत्यय लगाया है तो क्या बन गया बेटा? प्राकृतिक। दूसरा है उपलब्धता। उपलब्धता में मूल शब्द है लब्ध और उपसर्ग लगाया हमने इसमें उप और प्रत्यय लगाया ता। उपलब्धता नया शब्द बन गया, है ना। और सुनिश्चित में मूल शब्द है निश्चय, इसमें हमने सु उपसर्ग लगाया और इत प्रत्यय लगाया तो यह बन गया सुनिश्चित। अब प्रश्न 3 है, 2 वर्णों के मेल से जब विकार या परिवर्तन होता है तब वह मेल क्या कहलाता है? संधि। संधि माने जोड़। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है। फिर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में स्वर का मेल व्यंजन से होता है या 2 व्यंजनों का मेल होता है। नंबर 3 पर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है। अब संधि के उपरांत बना शब्द संधि पद कहलाता है। जब संधि पद के मूल शब्दों शब्दांशों को अलग किया जाता है तब ये क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है संधि विच्छेद। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि भेद भी लिखिए। पहला शब्द है हिमाचल।
हिमाचल में हिम और अचल दो शब्द मिलकर के हिमाचल बना है, और म के बाद भी अ आता है, व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता, आधा म प्लस अ इज इक्वल टू म, तो हिम के बाद भी अ आ रहा है और इधर अचल है, दोनों स्वर हैं तो ये स्वर संधि है ना। अभयारण्य अभय, य के बाद भी अ आता है, आधा य और अ मिलके पूरा य बनता है, इधर अरण्य, अरण्य का अ, दोनों स्वर हैं तो ये स्वर संधि। नामांकन नाम, म के बाद भी अ है, इधर अंकन है तो ये भी स्वर संधि। स्वागत सु, सु में उ है, उ भी स्वर है, और आगत, आगत में आ स्वर है तो ये भी स्वर संधि। निर्भरता, निर्भरता में जो आधार लगा ना बेटा ऊपर, तो उसको हमने विसर्ग में बदल दिया है, तो नी धन भरता, तो क्या बन गया विसर्ग संधि। सम्मान सम आधा है तो ये व्यंजन हो गया, और इधर मान दोनों तरफ व्यंजन है तो ये कौन सी संधि हो गई बेटा, व्यंजन संधि। अब है समाधान, सम और आधान जुड़ करके समाधान बना है तो ये भी आपका स्वर संधि है। परि आवरण दोनों तरफ स्वर है तो ये भी स्वर संधि है। स और अर्थक दोनों तरफ स्वरी है ना, स के बाद में आधा स और अ मिलके स बना है, इधर अर्थक, ये भी स्वर संधि है। प्रश्न चार है, नीचे दिए गए शब्द पाठ में से लिए गए हैं, इनके तीन तीन समानार्थी शब्द बॉक्स में दिए गए हैं, बॉक्स में से उन्हें चुनकर उचित समूह बनाइए। भाई, भाई के तीन शब्द हैं, भ्राता बंधु और सहोदर। फूल, फूल के तीन शब्द हैं, सुमन पुष्प और प्रसून। बहन, बहन के तीन शब्द हैं, अनुजा भगिनी और सहोदरा। भगिनी में आप कंफ्यूज होंगे बेटा, भगिनी में अर्धांगिनी भी होता है और बहन भी होता है, एक शब्द के अनेक मीनिंग होते हैं, डिपेंड करता है कौन से वाक्य पे उसका प्रयोग हमने किया है। पक्षी के तीन शब्द हैं, खग विहग और चिड़िया। अब है जो सही उत्तर हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। यह शब्द भाववाचक संज्ञा है, जादुई हरियाली स्पष्ट और अनुपम। हरियाली शब्द पे आप टिक कर लेंगे, हरियाली आपकी भाववाचक संज्ञा है। यह शब्द क्रिया और प्रत्यय के मेल से बना है, तो खिलखिलाना में आहट प्रत्यय लग गया तो ये आपका क्रिया और प्रत्यय से मिलके बना है, तो नंबर एक पर आप टिक कर लेंगे। और ग वाला है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द एक वचन रूप में है, तो मैंने देवदार के वृक्ष देखे, बहुवचन आ रहा है, क्रिया बता दी देखे, साफ हवा सभी को पोषण देती है, ये एक वचन में है बेटा, इसको आप टिक कर लेंगे, है ना। और रचना का संसार, रचना का संसार में शिमला को पहाड़ों की रानी क्यों कहा जाता है पता कीजिए, शिमला में कई छोटे बड़े और खूबसूरत पहाड़ हैं इसलिए इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। शिमला एक हिल स्टेशन है, गर्मी के मौसम में यहाँ ढेर सारे पर्यटक आते हैं, तो गर्मी के मौसम में पर्यटक भारत के किन किन स्थलों पर भ्रमण करना पसंद करते हैं उनकी सूची बनाइए, तो आपकी हेल्प के लिए मैं इसके जवाब दे रही हूँ लेकिन आपको खुद लिखना है। नैनीताल, ऊटी, दार्जिलिंग, मसूरी, अल्मोड़ा, कूर्ग, माउंट आबू, शिलोंग, है ना। और तीन नंबर पे रामनाथ कोविंद जी की जीवनी पर शून्य से शिखर तक शीर्षक से एक परियोजना तैयार, प्रोजेक्ट कार्य आप कर सकते हैं। इन दोहों को पढ़िए, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सजे सुजान। लोग, अच्छे लोग अपनी संपत्ति को क्यों संचय करें, क्यों इकट्ठा करेंगे, क्योंकि देखिए न तो पेड़ फल खाता है और न सरोवर अपना पानी पीता है, तो परोपकार के लिए हमें जीना है। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, कभी भी वृक्ष अपना फल नहीं खाता और नदी भी अपना पानी नहीं पीती, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, साधु लोग जो होते हैं वो अपने शरीर को दूसरों के भले के लिए, परमार्थ के लिए ही जीते हैं। तो पहला वाला दोहा तो रहीमदास जी का बेटा, दूसरा कबीरदास जी का, है ना। और दोहों के अर्थ में समानता और अंतर आप बताएंगे कि क्या क्या इसमें आपको अंतर दिख रहा है और क्या समानता है, है ना। और दोनों दोहों में परमार्थ की बात कही गई है और उसे अपनाने का संदेश दिया गया है, ठीक है। और ये बात, ये पाठ हमारे यहीं खत्म हो जाता है बेटा। अब आपको आपका गृह कार्य है कि आप ये पुस्तक कार्य जो है, पुस्तक अभ्यास, इसको
पूरा करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। श्रुतलेख के शब्द दो दो बार उच्चारित करेंगे और स्वयं उसका श्रुतलेख लेकर कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।